हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये पतंजलि में तीन टाइप के ब्रांड्स है। एक्चुअली एक नॉर्मल पतंजलि प्रोडक्ट्स करके आते, एक दिव्य फार्मेसी के इनके जो प्रोडक्ट्स है, जैसे कि उनके मेडिसिंस है, जो ऑयल्स है, वो दिव्य फार्मेसी के प्रोडक्ट्स होते हैं। और उनका एक और एक ब्रांड है जो आस्था ब्रांड है, जो इनके पूजा सामग्री या अगरबत्ती वगैरह, जो पूजा सामग्री के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उसमें। सो आस्था में थोड़े एक्सपेंसिव और अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली अगर आप दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट से कंपैरिजन करेंगे, तो ये फिर भी ये बहुत ही कंपैरेटिवली रीजनेबल और सस्ते बोल सकते हैं आप, बेस्ट क्वालिटी और रीजनेबल प्रोडक्ट्स है। सो फ्रेंड्स, दिव्य हवन सामग्री जो है उसका मैंने एक वीडियो बनाया था। वो आप वीडियो ज़रूर देखिए। फिर भी मैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ, ये दिव्य हवन सामग्री है दिव्य फार्मेसी का विशिष्ट उत्पादन। यहाँ पे भी देखिए, इन्होंने मेंशन किया है ये दिव्य फार्मेसी का है। यहाँ पे उनके पैकेट में ये 500 ग्राम का पैकेट है, और ये 500 ग्राम के ही पैकेट में अवेलेबल है। एक ही पैक है इनका। दिव्य हवन सामग्री इज ब्लेंड ऑफ आयुर्वेदिक प्रीशियस हर्ब विच मेंटेन एनवायरनमेंट हेल्दी एंड पीसफुल। सो ये 50 रुपीज़ का पैक आता है, और इसका वैलिडिटी कुछ 2 ईयर्स का होता है मैन्युफैक्चरिंग से। सो फ्रेंड्स, इसमें इसके ऊपर लिखा है कि इसमें क्या क्या है। जटामासी है, नागर मोथा है, नीम पत्र है, आज्ञा घास है, गोरख मुंडी कुछ हर्ब है वो है, गिलोय है, वच, बावची, बीच, गुलाब फूल, तुलसी, श्वेत चंदन, अगर, सुगंध बाला, कपूर आदि सुगंधित व पौष्टिक प्राकृतिक जड़ी बूटियों एवं शुद्ध गौधूत से निर्मित दिव्य हवन सामग्री से हवन करने पर वातावरण सुगंधी, स्वच्छ, निरोग एवं शांतिदायक बनता है। तो फ्रेंड्स, हवन करने का हवन करने के पीछे वही रहता है कि आपके जो वातावरण होता है उसमें छोटे छोटे जो जर्म्स होते हैं, और जो उसमें जो कभी कभी वातावरण में एक तरह का स्मेल होता है, तो वो नष्ट होता है। जैसे कपूर जलाने से एक इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो आपके हवा को शुद्ध करती है। और इसकी जो खुशबुएँ होती है, जो हर्ब्स की जो खुशबू होती है, वो मन को एक मैं तो इनको एक अरोमा थेरेपी बोलती हूँ, जो आपके मन को एक आनंद देता है, जो एक रिलैक्सेशन होता है। जब ये सब जो खुशबू है जो हवन सामग्री की है, या धूप की है, या जो सांबरणी कप होते हैं, आप उनकी खुशबू लेते हैं, तो एक मन को एक आनंद मिलता है और मन को रिलैक्सेशन मिलता है। ये आस्था ब्रांड का जो हवन सामग्री है वो थोड़ा महंगा है, लेकिन ये हवन सामग्री और ये हवन सामग्री में टोटली डिफरेंट हवन सामग्री है। इसके प्राइस के हिसाब से इसका जो इसमें जो सामग्री है वो टोटली अलग होने के कारण इसका प्राइस भी अलग है। आपको अगर ये शायद थोड़ा महंगा लगे, ये 250 ग्राम का है और 60 रुपीज़ का है, मतलब इसके हाफ है वो, इसका हाफ क्वांटिटी है और प्राइस भी इससे तो इससे ज़्यादा है, हाफ क्वांटिटी होने के बावजूद भी। लेकिन फ्रेंड्स, एक्चुअली इसके इसमें क्या क्या है ये इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मुझे खुद को इतना आइडिया नहीं है। लेकिन इसमें जो ड्राइड क्या बोलते ड्राइड खजूर रहता है ना, वो सब भी है इसमें, जो हवन के लिए हवन में कुंड में जो इस्तेमाल होते हैं। तो मैं आपको इसमें से बताती हूँ, मैं ये सब इस्तेमाल कर चुकी हूँ। देखिए, ये डिफरेंट है, इस तरह का है हवन सामग्री।
और ये टोटली डिफरेंट है। इसको अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत सारा जो ये गेहूं के जो ये रहते ना, उसको क्या जवार या कुछ तो बोलते हैं वो है। और ठीक है, मैं आपको बता दें, इसमें बहुत टाइप के अलग अलग चीज़ें हैं इस तरह की, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो इसमें और उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। ये थोड़ा सा मुझे नम टाइप लगा, एकदम ड्राई नहीं है। इसमें थोड़ा सा एक वेटनेस है, थोड़ा सा हल्का सा मॉइस्चर टाइप है ये, जबकि ये थोड़ा टोटली ड्राई टाइप है। बट इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे भी इसमें क्या है वो इतना आइडिया नहीं है, बट मैं मेरे घर में हमेशा हवन सामग्री जो है वो जलाती हूँ, और मुझे पसंद है, और धूप जलाती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। सो आप जो भी हवन के लिए या फिर आप किसी पंडित को बुलाते हैं या फिर, तो आप ये सामग्री आप खुद लाके उनको दे सकते हैं, या फिर आपको हवन की विधि पता है, या फिर कोई बुक में देखकर आप करना चाहते हैं, या मंत्र आपको पता है, तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए। नॉर्मली मैं मेरे घर में जो स्टिक्स है वो अवेलेबल नहीं रहती है, तो जो नारियल का जो नारियल जो होता है उसका खाने के बाद जो उसका आउटर जो बचता है, तो मैं उसको गैस पे गरम करके उसके बाद में ये हवन सामग्री उसके ऊपर डालती रहती हूँ, और ये पूरे घर में इसकी खुशबू फैलती है। अब इसमें क्या क्या इन जो सामग्री है मुझे भी उसके बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं है। अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो आप ज़रूर लाकर ट्राई करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ओम नमः शिवाय।